नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा जिस तरीके से संकट आ रहा है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, ऐसा लग रहा है इंडिया में आगे आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल ही राज करेगा। और अच्छी बात है, बीएसएनएल ही राज करे। लेकिन अभी जो हालत हुई है वोडाफोन की, वो हालत क्यों हुई, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वोडाफोन के जो यूजर्स हैं उनका क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, प्लस उनका ये हाल हुआ क्यों ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एक टाइम आया था जब आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल इतनी बूम कर रही थी। इवन अगर मैं बोलूं वोडाफोन के बारे में स्पेशली, तो वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है, इसने हच को परचेस किया था। पहले हच था, अगर आप सब पुराने यूजर होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं तो हच के टाइम पे यूज कर रहा था। तो हच को वोडाफोन ने कवर किया और वोडाफोन एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। लेकिन ग्रो होते टाइम उसने गलती क्या की, उसने गलती ये की कि हर एक कंपनी से लोन लेता चला गया, और लोन लेते लेते ये हाल हो गया कि जो अभी एजीआई रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस रिपोर्ट में 28,309 करोड़ रुपए उसे 3 महीने के अंदर सबमिट करना है, जो कि बहुत ही बड़ी धनराशि होती है उस कंपनी के लिए, जो कंपनी हर साल 6,000-5,000 करोड़ के घाटे में जा रही है। डेली 3,000-4,000 यूजर्स डेली उसके दूसरे सिमों पे पोर्ट हो रहे हैं, लाइक जो आइडिया वोडाफोन वाले लोग हैं वो एयरटेल पे जा रहे हैं, मैक्सिमम बीएसएनएल पे जा रहे हैं, कुछ जियो भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब उसकी हालत है, उस हाल में अगर उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अगर मैं बात करूं उनके कैपिटल की, जो उनका मार्केट कैपिटल है वो अभी बहुत ही कम हो गया है, 11,091 करोड़ रुपए बचे हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है, मार्केट में जो पैसे वो लगाते हैं, मोनेटाइजेशन जो करते हैं कि हम इससे यहाँ से धनराशि लेंगे, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, हर एक कंपनी का होता है। तो इनका बहुत ही कम बचा है, 11,091 करोड़ रुपए बचे हैं अभी। तो ये जो इतना कम पैसे हैं, तो मुझे लगता है कि अब इनके पास कोई चांस नहीं। अगर ये सारा प्रॉपर्टी बेचते भी हैं तो ये 28,309 करोड़ रुपए 3 महीने में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कोई इनको रिवाइवल प्लान भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलने वाला है जिस तरीके से बीएसएनएल को मिला है। तो अब बात साफ हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वोडाफोन आइडिया भी दोनों कंपनी मर्ज है, जिसमें से आइडिया का जो परसेंटेज है वो 54.9% है शेयरिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा है, और बाकी रहा वोडाफोन का। दोस्तों वोडाफोन वाले यूजर्स कोई भी परेशान मत होना, क्योंकि आपका जो भी है, क्योंकि आइडिया ने साफ बोल दिया कि हम मार्केट में रहेंगे, तो आपके जो भी सिम है वो आइडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइडिया के प्लान के थ्रू चलेंगे। सो आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने वाला है, संकट वोडाफोन ब्रिटेन की जो कंपनी है उस पे आने वाला है। दोस्तों अभी तक वोडाफोन ने कोई भी क्लैरिफिकेशन मीडिया को भी नहीं दिया है और कोर्ट को भी नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि क्लियर है कि अब वोडाफोन का मन हो चुका है कि अब हम इंडिया के मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन उनके पास है नहीं। पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी जो एजीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू उनको सबमिट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एजीआर के बारे में बता दूं, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको एजीआर के बारे में क्लियर होना चाहिए। एजीआर मींस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो उनका धनराशि है, जो उन्होंने लोन ले रखा है, जो उनको सबमिट करना है वो धनराशि है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वोडाफोन यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी मार्केट में, या वो आइडिया को सारा शेयर देके चली जाएगी, और या दूसरी कोई कंपनी आके उसको लेके जाएगी, जिस तरीके से अगर मान लीजिए जियो है, तो क्या जियो वोडाफोन को कैप्चर करने की कोशिश करेगी क्या वोडाफोन आइडिया को, या कैप्चर नहीं करेगी, आपको क्या लगता है? वैसे मेरे जो राय है, मेरे राय में बहुत ही जल्दी वोडाफोन अभी अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर जाना चाहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि सबमिट करना 3 महीने के अंदर, जो कोर्ट का स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन आया है, ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि इतनी कंपनियों ने इतने जब पैसे ले रखे हैं तो हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा इंडिया का, तो एक तरीके से तो अच्छा है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो उनका लॉस भी है। दोस्तों बीएसएनएल का भी यही हाल हो गया था, फिलहाल बीएसएनएल के लगभग 2,000 करोड़ ही बाकी हैं, तो वो जहां तक वो लोग दे लेंगे वो सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि अभी उनके पास रेवेन्यू आ गया और काफी लोग बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, सर्विस में भी वो लोग काफी काम कर रहे हैं। फिलहाल तो वोडाफोन ने भी किया था, बट उतना मार्केट में नहीं चल पाया। जियो ने सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घाटे में डाला है, तो कहीं ना कहीं इसमें जियो का भी काफी बड़ा सहयोग है। दोस्तों आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको क्या लगता है कि मार्केट में एक वोडाफोन रहेगी या नहीं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे इसी तरीके की न्यूज, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ एजुकेशन और साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडलाइंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको आगे बहुत से ज्यादा नॉलेज वाले टॉपिक्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।